सब्सक्राइब कीजिए ओमजी एक्सप्लोरर को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए, और यह है बिल्कुल फ्री। सो गाइस, नरेंद्र मोदी के इलेक्शन जीतने के बाद से ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है, या फिर कह लें कि वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि आखिर नरेंद्र मोदी कैसे दोबारा से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए, और उनके इस प्राइम मिनिस्टर के अचीवमेंट के बाद आखिर पाकिस्तान को क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। और दिखाएंगे हम आपको पाकिस्तान का एक छोटा सा सर्वे जहाँ पर उनसे पूछा गया कि आखिर कौन आने वाला है इस बार पीएम की गद्दी पर इंडिया में, तो वहाँ पर क्या रहा लोगों का रिएक्शन। लेकिन वीडियो स्टार्ट करो इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ओमरजी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिखे रेड कलर के बटन को टच करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बाद में आने वाली नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। सो फ्रेंड्स, देखते हैं पहले हम लोग वो रिएक्शन जो लोगों का था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की सीट को लेकर। इमरान खान साहब का तो फोन ही नहीं उठाते नरेंद्र मोदी, वो सिर्फ नारा भेजता नरेंद्र मोदी और वो बिकता नहीं। मोदी के अकाउंट में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वो एक ऐसा शैतान आदमी है। वो नया नरेंद्र मोदी, इसके चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जिस तरह के नाम है रिजल्ट देखे आजकल के जो वाकई थे उनकी जो सीटें वहाँ पे अनाउंस भी हो चुके हैं, तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी के जीतने का चांस ज्यादा है। मोदी तो नहीं जीतेगा कहीं से भी, यानी राहुल आपको लगता है जीतेगा? मोदी के तो कोई चांसेस नहीं लग रहे राहुल गांधी। सो गाइस, ये था वहाँ का रिएक्शन। और ऐसे में यहाँ पर अगर इंडिया में लगातार ही नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते रहते हैं तो पाकिस्तान को होने वाली है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि ऐसे में हम लोग किसी भी तरह की कोई फालतू की बात नहीं करते हैं, और वहाँ के लोग जो कश्मीर के मुद्दों को लेकर हमेशा ही हमसे लड़ाई किया करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो कि उसे बहुत अच्छे से डिफेंड करेगा। हमने देखा जब पुलवामा में अटैक हुआ तो नरेंद्र मोदी ने बहुत ही आराम से इस चीज़ को डील किया, और इसके बाद उन्होंने वहाँ पर भी कुछ स्ट्राइक्स करा दी, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और साथ ही वहाँ पर अटैक भी करा दिया मसूद अज़हर के अड्डे पर, तो इससे पता चलता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। अब बात करते हैं अगर हम लोग इमरान खान की, तो इमरान खान को नरेंद्र मोदी ने इनवाइट नहीं किया है अपने शपथ ग्रहण समारोह में। और सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर को बधाई देने की, तो वो बेंजामिन नेतन्याहू ने किया, और उन्होंने इस चीज़ को कॉल करते हुए अपने ट्विटर पर भी पोस्ट किया, यानी कि उस वीडियो को पोस्ट भी किया अपने ट्विटर हैंडल पर, जिससे पता चलता है कि वो अपनी दोस्ती को दुनिया के सामने लेकर आ चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए कि इंडिया के संबंध बाकी सभी देशों से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और चाहे तो पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है, लेकिन वो अपनी गंदी हरकतों की वजह से ऐसा करने पर हमेशा ही नाकाम रहता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ चीज़ें, और यहाँ पर पाकिस्तानी एंकर्स यानी कि जो भी मीडिया है वो हमेशा से ही स्टार्टिंग से ही ये कह रही थी कि राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी दोनों में से कोई एक प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन मोस्टली सब लोग राहुल गांधी को ये प्रेफर कर रहे थे, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि अगर ऐसा होता है तो वो शायद कश्मीर मुद्दे को बहुत अच्छे से सुलटा सकें। लेकिन यहाँ पर दोबारा से नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, और अब पाकिस्तान को अपनी गंदी नज़र कश्मीर से हटानी होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ओमरजी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिखाए रेड कलर के बटन को टच करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम। Turn us to thousands.